hello friends welcome to wi study.com one stop destination for all competitive exam presents the times of india vocabulary powered by vocab24 app सो फ्रेंड्स लास्ट टाइम जो जो लोग बिनर नहीं बन पाए थे हमारे कॉन्टेस्ट में उनको डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वापस आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे वो कैप ट्वेंटी फोर रेटिंग कॉन्टेस्ट के अंदर टेन लकी मिनर्स विल गेट फ्री एसेस ऑफ ए टू जेड वो कैप वीडियो हुआ है वो कैप ट्वेंटी फोर ऐप एंड हाउ टू पार्टिसपेट इट्स जस्ट सिम्पल यू जस्ट हैव टू डाउनलोड वो कैप ट्वेंटी फोर ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखी है तो अगर आपने डाउनलोड कर रखी है, तो है तो आप उसको सिर्फ फाइव स्टार रेट करना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स और इट्स ये नेसेसरी है उसके बाद में आपको रिव्यू के अंदर एड योर लकी नंबर बिटवीन द हंड्रेड टू थाउजेंड एंड मैंशन वाई यू लव बो कैप ट्वेंटी फोर तो फ्रेंड्स आपको इस ऐप आप के जो रिव्यू सेक्शन है वहां पर आपको ये लिखना है कि क्यों आप इस बोकैप ट्वेंटी फोर को इतना पसंद करते हैं और आपको हंड्रेड से थाउजेंड के बीच में वहां पर नंबर प्लेस करना है आपको फ्रेंड्स इस वीडियो के जो कमेंट्स है वहां पर आपको प्लेस नहीं करना है लेकिन आपको जो रिव्यू सेक्शन है वो कैप ट्वेंटी फोर ऐप के अंदर वहां पर इसको प्लेस करना है आपका लकी नंबर और साथ में वाई यू लव वो कैप ट्वेंटी फोर एंड हाउ वी सेलेक्ट वीज जनरेट टेन रैंडम नंबर्स बिटवीन हंड्रेड टू थाउजेंड यूजिंग रॉन्डम डॉट ओ आर जी एंड सेलेक्ट टेन विनर्स हुज कमेंटेड नंबर मैच विद दिस जनरेटेड नंबर्स विल गेट अ प्राइज एंड टेन लकी विनर्स विल बी अनाउंस्ड ऑन ट्वेल्थ फैब सो फ्रेंड्स अभी वो कैप ट्वेंटी फोर ऐप डाउनलोड करें उसे फाइव स्टार रेट करें और वहाँ पे अपना फेवरेट नंबर डालें और उसके बाद जीती है हमारा वो कैब कोर्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप उससे बहुत अच्छे स्कोर मार्क्स कर सकते हैं

forthrightness. Now let's see the example. You can smell the shichandery from a dishonest politician. यानी कि आप smell कर सकते हो, धोखा दरी किससे? एक dishonest politician से, के पास में से, okay? उससे आप smell कर सकते हो कि ये धोखा देगा. Now let's see the verb forms, shicken, shickened and shickened. और इसके related word है shicken, जिसका मतलब है धोखा देना. Now let's see that trick. चिकन के नाम पे शिकेंडरी करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स आपने कई बार डिनर किया होगा नॉन अगर आप नॉन वेज यूज़ करते हैं तो आपने कई बार डिनर किया होगा तो कई ऐसे सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो चिकन के नाम पे कुछ और कुछ दे देते हैं आपको ओके okay, आपने मांगा है चिकन और उसमें कुछ दूसरी चीज़ें मिक्स करके दे देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं शिकैनरी करते हैं ओके तो चिकन के नाम पर शिकैनरी करते हैं तो देखिए चिकन की स्पेलिंग चिक और यहाँ पर भी चिक ठीक है हालांकि प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग है लेकिन स्पेलिंग काफ़ी मैच करती है तो देखिए चिकन के नाम पर शिकैनरी करते हैं चिकेनरी करते हैं यानी कि यानी कि धोखा देते हैं ओके तो यहाँ पे मैं चिकन को शिकैनेरी को रिलेट कर रहा हूँ और इससे आपको मीनिंग बता रहा हूँ जो कि याद करने में आपके लिए आसान रहेगा तो चिकन के नाम पर शिकायनेरी करते हैं यानी कि धोखा देते हैं देखते हैं अगला सॉन्टर द मीनिंग ऑफ द सॉन्टर इज टू वॉक एट ए रिलैक्स स्पीड वॉक इन ए स्लो एंड रिलैक्स मैनर चहलकदमी करना दिस सॉन्टर इज स्ट्रॉल एम्बल वॉन्डर एंड प्रोमनेट नम्स इज रन नॉलेट्स एग्जाम्पल ऑल दू द क्रिमिनल वॉज बींग चेज बाय पुलिस ऑफिसर ही चूज टू सॉन्टर डाउन द स्ट्रीट एज ही डिड नॉट है केयर इन द वर्ल्ड नाउलेट्स द वर्क फ्राम सॉन्टर साउंटर्ड एंड सॉन्टर्ड अब देखिए इसको ट्रिक याद करने की सुंदर वन में सॉन्टर करते हैं तो देखिये सुंदर वन में क्या करते हैं सॉन्टर करते हैं देखिए सुंदर और सॉन्टर दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं तो जो ब्यूटीफुल पार्क होता है जो अच्छा पार्क होता है वहाँ पे लोग अक्सर वहाँ पे रिलैक्स मूड में रिलैक्स स्पीड में चलते हैं जो ओके okay, वॉक करते हैं वहाँ पे तो उसी को अपन बोल रहे हैं कि सुंदर वन में लोग क्या करते हैं साउंटर करते हैं तो सुंदर और साउंटर दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं इनको रिलेट करके आप इसका मीनिंग इजीली इस पता कर सकते हैं कि सुंदर वन में साउंटर करते हैं तो दोनों ही देखिए सुंदर और साउंटर दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं देखते हैं अगला विरासिटी सी द क्वालिटी ऑफ बींग ट्रूथफुल तो जो सच्चाई जो सच बोलता है सच्चाई से बोलता है ऑनेस्ट होता है उसको अपन बोलते हैं विराशियस ऑफ दिस वर्ड इज ट्रूथफुलनेस ट्रूथ एक्टनेस करेक्टनेस एग्जैक्टनेस या फिर रियलिज्मीड डिसहोनेस्ट फॉल्स हुड लाइंग एंड अनफेयरनेस नॉन लेट इज द एक्जाम्पल सिंस द विटनेस इज ए नोन एनिमी ऑफ द डिफेंडेंट हिज टेस्टमनी सटेली नीड्स टू बी एवेलुएटेड फॉर इट्स विरासिटी यानी कि जो विटनेस था वो एनिमी था डिफेंडेंट का तो उसकी जो सब बातें हैं उसको एवेलुएट करना पड़ेगा उसकी सच्चाई का पता करना पड़ेगा नॉलेट्स रिलेटेड वर्ड्स विराशियस जिसका मतलब है सत्य निष्ठ नॉलेट्स द ट्रिक इंडिया को विरासत में मिली है विरासिटी तो देखिये विरासत और विरासिटी दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं तो इंडिया को क्या मिली है विरासत में विरासिटी मिली है विरासिटी यानी कि सच्चाई मिली है जिस देश में महावीर गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे बॉर्न हुए हैं उस देश में सच्चाई उनको विरासत में ही मिली है ओके जैसे महात्मा जो महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध हालांकि नेपाल में हुए थे लेकिन वो उस टाइम पर इंडिया ही हुआ करता था तो ऐसे बड़े बड़े महान लोग जिस देश में हुए हैं उन लोगों को विरासत में क्या मिली है विरासती मिली है तो इस तरीके से अपन इसको इसीलिए याद कर सकते हैं कि इंडिया को विरासत में विरासटी मिली है विरासटी यानी कि इंडिया को विरासत में क्या मिली है सच्चाई मिली है ट्रूथफुलनेस क्या सबको सच बोलना है ये सब क्वालिटीज़ है जो कि इंडिया को मिली है और अगर अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और हेल्प कर सकें आपके पेपर के अंदर सो फ्रेंड्स देखते हैं अगला आउटलैंडेश लुकिंग और साउंडिंग बिजार और अन विचित्र कोई भी चीज़ जो वेड होती है विचित्र होती है उसको अपन बोलते हैं आउटलैंडेश नाउलेसी नम वेड क्यूअर ऑफ बीट गोटिस्क क्यूअर की अनकन्वेंशनल बिजार एंड अनयूजल एंड एंटीनम्स कॉमन कन्वेंशनल फैमिलियर नॉर्मल या फिर ऑर्डनरी नाउनल एग्जाम्पल इफ द साइकिक आउटलैंडिश प्रडिक्शन केम ट्रू कम्स ट्रू द वर्ल्ड एंड इन अ वीक यानी कि अगर किसी उस साइकिक की जो विचित्र भविष्यवाणी है अगर वो सच हो गई तो दुनिया इस वीक के अंदर एंड हो जाएगी देखते हैं इस रिलेटेड वर्ड आउटलैंडिशली यानी कि विचित्र ढंग से और आउटलैंडिशनेस यानि की विचित्रता नाउनलस्सी द ट्रिक आउटलैंड से आया हुआ फैशन आउटलैंडिश है तो देखिए ये देखिए फैशन देखिए कितना अजीब फैशन है ये जैसे अगर अमेरिकन फैशन इंडिया के अंदर अंदर अगर उसको आप चलाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के लोगों को बहुत ही विचित्र लगेगा बहुत ही आउटलैंडिश लगेगा इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए आउटलैंड से आया हुआ बाहर से आया हुआ फैशन कैसा है आउटलैंडिश है यानी कि बड़ा ही विचित्र है देखिए आउट भी आ रहा है यहाँ पे लैंड भी आ रहा है तो आउटलैंड से आया हुआ फैशन आउटलैंडिश है यानी कि बहुत ही बहुत ही विचित्र है बहुत ही वेड है तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं देखते हैं अगला क्रिप रिस्ट्रेन कीप अंडर कंट्रोल और विथ इन लिमिट तो किसी चीज को रोकना उसको स्टॉप करना रिस्ट्रिक्ट करना उसको अपन बोलते हैं क्रिप नॉन लेस दिनानम्स प्रिवेंट स्टॉप रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेन या फिर रिस्ट्रेन रेंटिनम से असिस्ट एंकरेज फ्री या फिर लिबरेट नॉन लेस द एग्जाम्पल इफ वी वर रिस्ट्रेन रेन एवर स्पेंडिंग आर इकनॉमी नॉन दम क्रिप्ड एंड cribbed देखते हैं अब इसके ट्रिक क्रेन से स्टोन को क्रिप किया तो क्रेन और क्रिप देखिए दोनों ही एक जैसे हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि क्रेन की मदद से कई बार स्टोन्स को हटाया जाता है वहाँ से ओके और किसी दूसरी जगह पर लगाया जाता है तो स्टोन क्रेन से क्या किया स्टोन को क्रिप किया तो क्रेन और क्रिप देखिए दोनों एक जैसे हैं तो इस तरीके से क्रेन से स्टोन को क्रिप किया यानी कि क्रेन से स्टोन को रोक लिया जैसे कि यहाँ से मान लीजिए किसी पहाड़ से आ गया है रोड के ऊपर आ रहा है तो उसको क्या किया स्टॉप किया तो क्रेन से स्टोन को क्रिप किया तो क्रिप यानी कि कंट्रोल किया उसको स्टॉप किया प्रिवेंट किया रिस्ट्रिक्ट किया ओके तो क्रेन से स्टोन को क्रिप किया तो इस तरीके से आप इसको इजिली याद कर सकते हैं और फ्रेंड्स ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको मिलता है ए टू जेड वो कैब वीडियो विद ट्रिक्स आपको मिलेंगे सिक्सटी वीडियोज इन विद थ्री थाउजेंड वो कैप्स आर कवर्ड और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक जिससे आप इनको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इट यू विल गेट ए मीनिंग हिंदी सिनानम्स एग्जाम्पल इमेजेस एंड इफ यू एसेस दिस कोर्स वाई वो कैब ट्वेंटी फोर एप यू विल गेट इन फोर नाइनटी सेवन रुपीज एंड इफ यू वॉन्ट इन एट जी पेन ड्राइव यू विल गेट इन नाइन 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 एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और यू वॉन्ट टू कॉल देन यू कैन यूज दिस नंबर सो मूव लेट्स मूव ऑन देखते हैं अगला मीनेस मिनेस का मतलब एक्सप्रेस अ थ्रेट आइदर बाई एन अ और ए जेस्टर ए थ्रेट और डेंजर तो किसी चीज का खतरा होना किसी चीज का संकट होना उसको अपन बोलते हैं मिनेस नाउलेट से दिननम दैट इज थ्रेड डेंजर जियोपाडी हजार्ड एंड पेरिल एंड एंटीनम सेफ्टी श्योरिटी डिलाइट एंड प्लेजर नाउ नाउलेट से द एग्जाम्पल वीड्स इन्वेडिंग माई वेजिटेबल गार्डन आर ए ह्यूज मिनेस यानी कि जो वीड्स है जो इन्वेट कर रही है अटैक कर रही है मेरे वेजिटेबल गार्डन पर वो बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है अब इसके वर्क फॉर्म्स है मिनेस मिनेजड एंड मिनेज और रिलेटेड वर्ड है मिनेस जिसका मतलब है कि डराना या फिर धमकाना नाउ लेट्स सी द ट्री

वेग और इल इलडिफाइंड अस्पष्ट या फिर अनिश्चित अब देखते हैं नाम्स वेग इनडिस्टिंट अनक्लियर इनडेफिनेट इल इलडिफाइंड एंड नेबुलस एन एंड टे क्लियर डेफिनेट डिस्टिंट एंड सर्टेन नॉलेस द एग्जाम्पल द हिस्ट्री बिट्वीन द हिस्ट्री बिटवीन द डाउनफॉल ऑफ मगध एंड अराइवल ऑफ इस्लाम इज़ वेरी हेजी यानी जब जो डाउनफॉल था मगध का और अराइवल था इस्लाम का वो बहुत ही ज़्यादा अनकलियर है नाओ लेटेड वर्ड्स हेज यानी कन्फ्यूजन केक्टराइज बाय द लैक ऑफ क्लेरिटी नाउ लेसीज द ट्रिक लेजी लोगों का करियर ले हेज़ी हो जाता है तो लेजी लोगों का करियर कैसा हो जाता है हेज़ी हो जाता है यानी कि धुंधला हो जाता है अनक्लियर हो जाता है तो देखिए यहाँ पे लेजी और हेज़ी दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं आप सभी को पता है कि जो लेज़ी लोग होता है उनका करियर बनाने में बहुत दिक्कत होती है तो लेजी लोगों का करियर हेज़ी हो जाता है यानी कि बहुत ही अनसर्टेन हो जाता है तो इस तरीके से अपन लेज़ी और हेज़ी को रिलेट करके इसका मीनिंग पता कर सकते हैं देखते हैं अगला रिडिकुलस डिजर्विंग और इन्वाइटिंग डेरिशन और मौकरी और एबसर्ड उपहास्य या फिर मुक्तापूर्वक Now, let's see the synonym that is absurd, comical, receivable, derisory, and bizarre and goofy. Now, let's see the antonyms credible, good, logical, plausible, if yeah, reasonable. Now let's see the example. This student told the teacher a ridiculous story about his dog eating his homework, but she didn't believe him. यानी कि student ने अपने teacher को एक ridiculous story बताई कि उसके dog ने उसके homework को eat कर लिया है but ma'am ने यानी कि teacher ने उसकी बात का भरोसा नहीं किया अब देखते हैं related words ridiculously यानी कि बेतुके ढंग से अब देखते हैं इसके trick. पार्टी में डार्क रेड ड्रेस पहनना रेडिकुलस है तो देखिए अगर पार्टी में कोई ऐसी डार्क रेड ड्रेस पहन के आ जाएगा तो कैसा आइडिया है बिल्कुल रेडिकुलस आइडिया है ओके तो देखिए पार्टी में डार्क रेड ड्रेस पहनना रेडिकुलस है तो इस तरीके से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टी के अंदर ऐसी डार्क रेड ड्रेस पहन के आ गया तो कैसा आइडिया हुआ रेडिकुलस आइडिया हुआ तो इस तरीके से अपन रेड को रिलेट कर सकते हैं रेडिकुलस से ओके तो कि पार्टी में डार्क रेड ड्रेस पहनना रेडिकुलस है इस तरीके से अपन इसको ईजिली इस याद कर सकते हैं Consensus, the judgment arrived at by most of those concerns, group, solidarity in the sentiments and belief. To serve a jab koi cheez sabhi ki se ki jai, usko bolte hai consensus. Now, let's see the synonyms, that is, accord, harmony, concurrence, concerned, unison and anonymity. Or antonym said, disagreement, dissension, opposition, refusal. Now, let's see the example, when everyone stood up and applauded the president of the firm, it was obvious the entire company was in consensus with the new goals. यानी कि जब सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई प्रेसिडेंट के लिए तब ये चीज ऑबवियस थी कि सबकी सहमति है इन नए गोल्स को पाने के लिए अब देखते हैं इसके फॉर्म्स दैट इज कंसर्न्ड कंसेंटेड एंड कंसेंटेड और इसके रिलेटेड वर्ड है कंसेंसुअल यानी कि सहमति से और कंसेंट यानी कि सहमत होना नाउ लेट्स सी द ट्रिक वापस सेंसस करने के लिए सबका कंसेंसस जरूरी है देखिए 2011 में सेंसस हुए थे अब 2011 में जब सेंसेस हुए तो बहुत ज़्यादा पैसे लगता है जब भी सेंसस कराए जाते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं ओके okay, तो वापस सेंसेस कराने हैं तो उसके लिए आपको सबका कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है यानी कि सबका सहमति होना बहुत जरूरी है, है। चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो सपा हो बसपा हो कोई सा भी हो पार्टी हो सभी की सहमति उसमें होनी चाहिए तो वापस सेंसस कराने के लिए आपका सबका कंसेंसस जरूरी है तो इस तरीके से देखिए सेंसेस को कंसेंसस से अपन लेट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं कि वापस सेंसेस कराने के लिए सबका कंसेंसस जरूरी है कंसेंसस कि सर्व सर्वसहमति सबका हाँ बोलना बहुत जरूरी है देखते हैं अगला उसबली एज अ पेयर और इज स्टेटेड टू बी ट्रू थ्रू दो नॉट सो तो कोई भी चीज़ जो आपने सच समझ के बोली हो लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सच हो उसको अपन बोलते हैं ऑस्टेंसिबल और इसकी हिंदी है प्रकट रूप से नाउ नाउलेसिद सेनानम्स एपरेंटली सीमिंगली आउटवर्डली सुपरफिशली प्रोफेसडली एंड परपेंटली नाउलेस दम्स इम्प्रॉबेबली ऑब्सक्यूरेली एंड अनलाइकली नाउ नाउलेस द एग्जाम्पल वाइल द ऑस्टेंसिबल डेस्टिनेशन ऑफ आर ट्रिप साउंडेड अपीलिंग आई वॉज ड्रेडिंग द लॉन्ग ड्राइव इट वुड टेक टू गेट देयर द रिलेटेड वर्ड्स ऑस्टेंसिबल यानी कि स्पष्ट या फिर प्रकट रूप से नॉलेज ट्रिक बॉस्टन से है सिम्बल ये ऑस्टेंसिबल है तो देखिए ये फोटो में जो पिक में जो है ये कपिल सिंबल तो कोई ये, ये वैसे इंडियन है लेकिन किसी ने ये कहा कि ये बॉस्टन से है ओके okay, बॉस्टन तो से है तो बॉस्टन से है सिंबल ये बात कैसी है ऑस्टेंसिबल है देखिए यहां पे भी सिबल आ रहा है यहां पे भी सिबल आ रहा है कि बॉस्टन से है सिबल ये ऑस्टेंसिबल है यानी कि ये बात झूठ है ओके okay, किसी ने सच समझ के बोली होगी लेकिन ये सच नहीं है कि बॉस्टन से है सिबल ये ऑस्टन सिबल है तो देखिए ऑस्टन सिबल और सिबल दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं जिससे लेट करके अपन इसको मीनिंग पता कर सकते हैं कि ऑस्टन सिबल का क्या मतलब है एज अ पेयर और एज और इज स्टेटेड टू बी ट्रू के दो नॉट नेसरली सो तो स्प्रेंड्स ये सर आज के वो क्या आपसे जो हमने आपको बताया वापस से एक बार इनको रिवाइज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से इनको याद हो जाए तो ऑस्टेंसिबल का मतलब एज अ पेयर और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो तो प्रकट रूप से जो लगता है सर बोला है सच लेकिन वो सच ना हो जरूरी नहीं है कंसेंसेज सहमति सबके सहमति से किया हुआ काम रेडिकुलस मूर्खतापूर्ण डिजर्विंग और इन्वाइटिंग डेरिजन और मौकरी हेजी अनक्लियर इल डिफाइंड वेग अस्पष्ट मिनेंस खतरा संकट एक्सप्रेस ए थ्रेड आइडर बाय एन अट्रेंस और एसर क्रीब किसी चीज को रोकना प्रिवेंट करना स्टॉप करना आउटलैंडिश विचित्र या फिर वेअर्ड वेरासिटी ट्रुथफुलनेस ओके या फिर सच्चाई और सुनथर वॉक एट ए रिलैक्स स्पीड चहलकदमी करना एंड शिखेनरी यानी कि धोखा देना किसी को डिसेप्शन किसी को धोखा देना किसी के साथ ट्रिक करना सो so फ्रेंड्स ये आज के हमारे बुकैप्स थे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और अभी डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने प्रीवियस पूछा था प्रीवियस वीडियो में पूछा था यानी कि नाइन्थ फाइव को आउट ऑफ द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वन विच मेक्स द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इफ यू वॉन्ट टू सेव मनी फॉर कॉलेज यू शुड स्टॉप योर डैश स्पेंडिंग स्प्रीज सो फ्रेंड्स यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द लोगों ने सही आंसर किया इसका और जो आंसर किया है वो लोगों ने ज़्यादातर वो है सी प्रोडिगल और ये सही आंसर है जिसका मतलब होता है खर्चीला सो फ्रेंड्स काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है एंड वी आर वेरी हैप्पी विथ इट सो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आउट ऑफ द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वन विच मेक्स द गिवन सेंटेंस बीनिंग एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इन एन टू प्रिवेंट द मेयर्स रिय एक्शन सम वन हैज बीन यूजिंग द इंटरनेट टू डैश द सिटी लीडर्स फैमिली सो फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको आंसर करना है है कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो ओके फ्रेंड्स वी विल सी कि कितने लोगों का आंसर सही होता है And friends, if you are not subscribed to our channel team now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos. And for daily newspaper editorials, vocabs and quiz, download vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.